नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित रोजगार वीडियो, एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ पदों पर राजस्थान फॉरेस्ट में भर्ती निकल कर आ रही है। क्या है ये पद, कितने पद हैं और क्या योग्यता है, इन सभी के बारे में बताऊंगा। अगर आप भी एक्स सर्विसमैन हैं और आप रोजगार की तलाश में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि राज्य प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर 302018। साथियों, जो वनपाल और वन संरक्षक भर्ती 2020 में हुई थी, उसे दोबारा से नए सिरे से फिर निकाल दिया गया है। देखिए नोटिस है इसका, 11/3/2022 का निकला हुआ, इसे दोबारा से निकाल दिया गया। इसमें कुछ पदों पर पहले 1259 पदों पर भर्ती थी, लेकिन अभी और बढ़ाकर इसे 2300 पदों पर कर दिया गया है। साथियों, और 2300 पदों पर कर दिया गया, जिन्होंने पहले फार्म भरे होते हैं उनके भी मान्य होंगे, और जो अभी नया फार्म भरेंगे उनके भी मान्य होंगे, लेकिन पुराने वालों को अपना कुछ संशोधन करना है। जैसे कि पहले वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में नहीं आते थे, और इस बार आगे हैं तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। साथियों, मैं इसको आपकी इंपोर्टेंट दे बताऊँ तो इसकी, जैसे कि पहले 8/12/2020 में फार्म आपके निकले थे, तो इसी को रीओपन करा गया है, जो 14/3/2022 से स्टार्टिंग दोबारा से किए गए हैं, और इसकी 29/3/2022 लास्ट डेट रहेगी, और इसकी फीस जमा करने की जो डेट रहेगी 29/3/2022 रहेगी। साथियों, और एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं दोस्तों, साथियों इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 450 रहेगी, और ओबीसी एनसीएल की रहेगी 350, एससी एसटी की 250 रहेगी, और करेक्शन करने की फीस रहेगी 300 रुपये। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आपको 300 रुपये अलग से देने होंगे, तब आपका करेक्शन किया जाएगा। यह आपकी फीस जो है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ई मित्र के द्वारा कैसे भी जमा कर सकते हैं, और इसके एग्जाम के बारे में आगे नोटिस में निकाल दिया जाएगा कब होगा। और दोस्तों, अभी एज की बात करूँ जैसे मैं आपकी, तो 1/1/2021 के हिसाब से आपकी एज की गणना की जाएगी, और आपकी डेट होनी चाहिए 18 से 40 साल के लिए, और एज रिलैक्सेशन अलग से आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। अब पोस्ट के बारे में बात करें तो साथियों, दो तरह के पोस्ट हैं इसमें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के इसमें पोस्ट दिए गए हैं। वैसे टोटल पोस्ट इसके 2300 हैं, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम आपको किसी भी समकक्ष बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, और फॉरेस्टर के बारे में बात करें साथियों, इसके 99 पोस्ट हैं, इसमें 10+2 होना चाहिए किसी बोर्ड या एग्ज़ाम द्वारा आपके। और वैकेंसी की डिटेल बताता था अभी मैं, पहले सबसे पहले पोस्ट का नाम, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड का है, नॉन टीसी टीएसपी पोस्ट हैं इसके, तो जनरल के 82 हैं, ईडब्ल्यूएस के 180 हैं, ओबीसी के 175 हैं, ईबीसी के 177 हैं, एससी के 229 हैं, एसटी के 191 हैं, और टोटल मिलाकर 18+4+17 इतने पोस्ट हैं आपके। अब फॉरेस्ट गार्ड आपका रहेगा टीएसपी, इसके 283 पद हैं दोस्तों जनरल के, और एससी के 29 हैं, एसटी के 167 हैं, वैसे 479 रहेंगे आपके। और आगे फॉरेस्टर के पद के बाद बात करते हैं, नॉन टीएसपी रहेंगे इसमें 18, और आपके ईडब्ल्यूएस के रहेंगे इसमें 7, और आपके ईबीसी के रहेंगे आपके 9, और एससी के रहेंगे 21, और एसटी के रहेंगे आपके 22, कुल मिलाकर 77+2 रहेंगे आपके। अब टीएसपी के बाद में बारे में बात करें तो जनरल के रहेंगे 8, और आपके एससी के रहेंगे इसमें 2, कुल मिला के 10 पोस्टों के सारे मिला के होंगे 20 पोस्ट, टोटल 20 पोस्ट इसके रहेंगे टीएसपी के। और साथियों, अभी मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, इसका फिजिकल और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी साथियों, आपकी इसमें आपकी मापतोल रहेगी, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 183 सेंटीमीटर इसकी, और फीमेल की होनी चाहिए 185 सेंटीमीटर, और चेस्ट के बारे में बात करूं तो आपकी 84 से 89 होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, और लेडीज़ के लिए 79 से 84 होनी चाहिए, और सीटअप 25 सीटअप आपको लगाने हैं रिपीट में 1 मिनट में, और लेडीजों के लिए सीटअप इसमें नहीं है। अभी साथियों, इसमें मैं आपको भूतपूर्व सैनिकों के लिए बता देता हूँ, तो भूतपूर्व सैनिकों को उनके आरक्षित पदों का लाभ दिया जाएगा, लेकिन उनके आश्रितों को नहीं दिया जाएगा उसका लाभ। और इसमें आपके जल, थल और वायु सेना के कैंडिडेट शामिल हैं, लेकिन उनका पेंशन आने के बाद में उनका जो है
चरित्र अच्छा होना चाहिए या तो गुड होना चाहिए या एग्जाम्पलरी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का चरित्र है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अक्सर इसमें नको राजस्थान गवर्नमेंट में 12.5% का आरक्षण दिया जाता है भूतपूर्व सैनिकों को, और इनका जो आरक्षण दिया जाएगा इनकी जो कैटेगरी के हिसाब से सीधा दिया जाएगा। जैसे आप ओबीसी में आते तो ओबीसी का आपको ओबीसी कैटेगरी में मिलेगा, आप जर्नल के जर्नल में मिलेगा, एससी के हैं तो एससी में मिलेगा, अपनी कैटेगरी में 12.5% आपको इसमें आरक्षण दिया जाएगा। और साथियों जो भूतपूर्व सैनिक अपने एक साल के अंदर अंदर से पेंशन आने वाले हैं तो उन भूतपूर्व सैनिकों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने वहाँ से एक प्रमाण पत्र बनवा कर लाना पड़ेगा सीओ से अपने, और उसमें आपको उसमें बताया जाएगा कि आपको एक साल के अंदर अंदर वहाँ से छोड़ दिया जाएगा, जिसको हम NOC भी कहते हैं। साथियों तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से 14% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर एक्सर्विसमैन, उनके वार्ड, उनके डिपेंडेंट से संबंधित जॉब के वीडियो और उनके वेलफेयर संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलते रहते हैं, तो मेरे चैनल को एक बार फिर से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाते रहें।